आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। सनातन धर्म के 51 देवीय शक्तिपीठ बनने की पौराणिक कथाओं को जानिए। जानिए कैसे बने देवीय शक्तिपीठ और ये किस किस जगह पर है स्थित। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। माता दुर्गा देवी के 51 शक्तिपीठ का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। आपने इनके बारे में सुना जरूर होगा, किंतु इन सभी शक्तिपीठ बनने के पीछे की वजह क्या है और ये किस किस स्थान पर स्थित है, इस बारे में अभी भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। इसीलिए पौराणिक कथा के अनुसार आज हम आपको देवी के शक्तिपीठों के बनने की वजह के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि ये शक्तिपीठ किन किन स्थानों पर स्थित है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। माता दुर्गा देवी के 51 शक्तिपीठ बनने के पीछे की जो पौराणिक कथा है, उसके अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कंखल, जिसको वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार शहर के नाम से जाना जाता है, में बृहस्पति सर्व नाम का एक महायज्ञ किया था। उस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भगवान शिव की पत्नी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, वह बिना आमंत्रित किए और अपने पति के रोकने के बावजूद उस यज्ञ में शामिल हो गई। उस समय यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने की वजह पूछी और अपनी नाराजगी प्रकट की। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपशब्द कहे, जिसके अपमान से पीड़ित होकर सती ने यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध की वजह से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वे क्रोध की वजह से तांडव करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठा लिया और दुखी मन से वापस कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। इस दौरान देवी सती के शरीर के अंग जिन जगहों पर गिरे वह स्थान शक्ति पीठ कहलाए, जो कि वर्तमान समय में भी उन जगहों पर स्थित है और आज भी पूजे जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि किन जगहों पर स्थित है देवी के 51 शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटकों ग्राम में देवी सती का मुकुट गिरा और वे विमला कहलाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी के मणिकर्णिका घाट में देवी सती की मणिकर्णिका गिरी और वे विशालाक्षी और मणिकर्णी रूप में प्रसिद्ध हुई। तमिलनाडु के कन्याश्रम, भद्रकाली मंदिर, कुमारी मंदिर में देवी की पीठ गिरी और वे श्रवणी कहलाई। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कमलाधव नाम के स्थान पर सोन नदी के किनारे एक गुफा में देवी सती का बायानितम गिरा और यहां मां काली स्थापित है। वहीं सोनदेश, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में उनका दायानितम गिरा और नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण देवी नर्मदा कहलाई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में शिवालिक पर्वत पर स्थित है। यहाँ देवी सती की आंख गिरी थी, यहाँ देवी महिष मर्दिनी कहलाती है। देवी सती की नासिका गिरी थी सुगंध बांग्लादेश में शिकारपुर बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे, यहाँ देवी सुनंदा कहलाती है। अमरनाथ, पहलगाम, कश्मीर के पास देवी का गला गिरा था और वे यहाँ महामाया के रूप में स्थापित है। ज्वाला जी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ देवी की जीभ गिरी थी उनका नाम पड़ा सिद्धिदा या अंबिका। जालंधर, पंजाब में छावनी स्टेशन निकट देवी तालाब में उनका बाया वक्ष गिरा और वे यहाँ त्रिपुर मालिनी नाम से स्थापित हुई। अंबाजी मंदिर, गुजरात में देवी का हृदय गिरा था और वे यहाँ अंबाजी कहलाई। रामगिरी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में दाया वक्ष गिराया देवी शिवानी के नाम से पूजी गई। वृंदावन, भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास उत्तर प्रदेश में देवी सती के केशों का गुच्छ और चूड़ामणि गिरी और यहाँ देवी उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। शुचि, शुचि तीर्थम शिव मंदिर के पास कन्याकुमारी, तमिलनाडु में ऊपरी दार गिरी और उनका नाम पड़ा देवी नारायण। पंचसागर में देवी सती की निचली दार गिरी और यहाँ देवी वाराही के नाम से जानी गई। बांग्लादेश के करतोयत,
भवानीपुर गांव में देवी के बाएं पैर की पायल गिरी और वे यहां अर्पण नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री शैलम कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में देवी सती के दाएं पैर की पायल गिरी और यहां देवी स्थापित हुई देवी श्री सुंदरी के नाम से। पश्चिम बंगाल के विभाष तामलुक पूर्व मेदिनीपुर जिला में देवी कपालिनी का मंदिर है, यहां देवी सती की बाई एड़ी गिरी थी। प्रभास जूनागढ़ जिला गुजरात में देवी सती का आमाशय गिरा था और यहां वे चंद्रभागा के नाम से पूजी जाती है। मध्य प्रदेश में भैरव पर्वत पर क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी में देवी के ऊपरी होंड गिरे थे, यहां वे अवंती नाम से जानी जाती है। जनस्थान नासिक महाराष्ट्र में देवी की ठोड़ी गिरी और देवी भ्रामरी रूप में स्थापित हुई। सर्वशैल राजमहेंद्री आंध्र प्रदेश में उनके गाल गिरे और देवी को नाम मिला राकिनी और विश्वेश्वरी। बिरात राजस्थान में उनके बाएं पैर की उंगली गिरी थी और यहां देवी अंबिका कहलाई। रत्नावली हुगली पश्चिम बंगाल में देवी सती का दायां कंधा गिरा और उनका नाम पड़ा देवी कुमार। मिथिला भारत नेपाल सीमा पर देवी सती का बायां कंधा गिरा और देवी उम कहलाई। नलहाटी बीरभूम पश्चिम बंगाल में देवी के पैर की हड्डी गिरी और देवी का नाम पड़ा कलिका देवी। कर्नाटक में देवी सती के दोनों कान गिरे और यहां देवी जय दुर्गा के नाम से जानी गई। वक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में देवी का भ्रूमध्य गिरा और वे कहलाई महिषमर्दिनी। यशोर ईश्वरीपुर खुलना जिला बांग्लादेश में देवी सती के हाथ एवं पैर गिरे और देवी कहलाई यशोरेश्वरी। बीरभूमि पश्चिम बंगाल में देवी सती के होंठ गिरे और यहां उनका नाम पड़ा फुल्लारा देवी। नंदीपुर पश्चिम बंगाल में देवी का हार गिरा और यहां देवी कहलाई मानंदनी। श्रीलंका में अज्ञात सद्धान पर देवी की पायल गिरी, यहां वे इंद्रक्षी कहलाती है। कहा जाता है कि ये मंदिर ट्रिंकोमाली में है लेकिन पुर्तगाली बमबारी में ये ध्वस्त हो चुका है, इसका केवल एक स्तंभ ही यहां शेष है। गुजेश्वरी मंदिर नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के साथ ही है जहां देवी के दोनों घुटने गिरे थे, यहां देवी का नाम महाशिरा है। मानस कैलाश पर्वत मानसरोवर में तिब्बत के पास देवी सती का दाया हाथ गिरा था और यहां वे दाक्षायणी कहलाई। इस मंदिर में देवी एक शिला के रूप में स्थापित है। बिराज उत्कल उड़ीसा में देवी की नाभि गिरी और वे विमला के नाम से जानी गई। गंडकी नदी के तट पर पोखरा नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तक गिरा और वे यहां गंडकी चंडी कहलाई। बाहुल अजय नदी तट केतुग्राम कटुआ वर्धमान जिला में पश्चिम बंगाल से 8 किलोमीटर दूर बहुला देवी स्थापित है। बताया जाता है यहां देवी का बायां हाथ गिरा था। उज्जैनी गुस्कुर स्टेशन से वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में देवी सती की दाई कलाई गिरी और वे यहां मंगल चंद्रिका के नाम से जानी गई। माता बाड़ी पर्वत शिखर निकट राधा किशोरपुर गांव उदरपुर त्रिपुरा में देवी का दाया पैर गिरा और देवी त्रिपुर सुंदरी कहलाई। छत्राल चंद्रनाथ पर्वत शिखर निकट सीताकुंड स्टेशन बांग्लादेश में देवी सती की दानी भुजा गिरी और उनको जाना गया देवी भवानी के नाम से। त्रिस्रोत सालबाड़ी गांव बोडा मंडल जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में देवी का बायां पैर गिरा और वे भ्रामरी देवी कहलाई। कामगिरी कामाख्या नीलांचल पर्वत गुवाहाटी असम में उनकी योनि गिरी और वे देवी कामाख्या रूप में प्रसिद्ध हुई। जुगाड़िया खीरग्राम वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में उनका दाएं पैर का अंगूठा गिरा और उनको यहां जाना गया देवी जुगाड़िया के नाम से। कालीपीठ कालीघाट कोलकाता में देवी के दाएं पैर का अंगूठा गिरा और वे यहां मां कालिका के नाम से जानी गई। प्रयाग संगम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देवी सती के हाथ की अंगुली गिरी और वे यहां मां ललिता के नाम से जानी गई। कालाजोर भोरभोग गांव खासी पर्वत जयंतिया परगना सिलहेट जिला बांग्लादेश में देवी की बाई जंघा गिरी और यहां देवी जयंती नाम से स्थापित हुई। कुरुक्षेत्र हरियाणा में देवी के पैर की एड़ी गिरी और यहां माता सावित्री का मंदिर स्थापित हुआ। मणिबंध गायत्री पर्वत पुष्कर अजमेर में देवी की दो पहुंचियां गिरी थी और यहां देवी का नाम पड़ा गायत्री। श्री शैल जैनपुर गांव के पास सिलहेट टाउन बांग्लादेश में देवी का गला गिरा और यहां उनका नाम महालक्ष्मी है।
अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।